गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक बार फटाफट से बताइए, आपका ऑडियो वीडियो क्लियर है? आर वी लाइव नाउ? ओके, आई थिंक वी आर लाइव नाउ। अभी हम लोग लाइव हो गए। एक बार फटाफट से सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। हेलो सुमित, गुड आफ्टरनून। सलमान, अक्षिता, चॉकलेट बॉय, सुमित वर्मा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कहाँ हैं बाकी सभी लोग? गुड आफ्टरनून सेबा, कैसे हैं आप? ओके देन, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फटाफट से। गुड आफ्टरनून रंजू कुमारी, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून मिस्टर पैशनेट, अमित मिश्रा, हेलो तारिक, संजय, तपस, अर्पित, अविनाश, आप सभी को अ वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों ने चेक कर लिया है, रिजल्ट आ गया है? गुड आफ्टरनून बायो हब, यूडीसी क्लियर, क्या बात है, शाबाश, ये हुई ना बात। अच्छा कौन कौन है जिनका क्लियर हो गया है? गुड मॉर्निंग शीला, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग कृष्ण वेनी, हाउ आर यू? वेरी नाइस अक्षिता, ऑलवेज माय ब्लेसिंग्स आर विद यू गाइस। मैं बढ़िया हूँ, आप सुनाइए सेबा। गुड आफ्टरनून मोहित चौहान। चलो तो पहले वो आइए, मेरे शेर बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम की ऐसी की तैसी कर दिया है। गुड आफ्टरनून मोनिका, ओके अननोन का भी क्लियर हो गया है। अच्छा किन किन का क्लियर हुआ है? ऑल दोज हु हैव क्लियर्ड यूडीसी प्रीलिम्स, और जिनका नहीं हुआ है वो नो लिख दीजिए, जिनका हुआ है वो यस लिख दीजिए। ओके जीके रिवीजन बिल्कुल आपके लिए, जीके रिवीजन करा रही हूँ शाम को 4 बजे आपके लिए। मैं लेके आ रही हूँ 15 डेज़ का स्टडी प्लान ऑफ जीए, ठीक है? जीए का 15 डेज़ का स्टडी प्लान लेके आ रही हूँ, जिसमें मैं आपको गाइड करूँगी कि किस तरीके से आप अपना पूरा ये 15 दिन जो है इसमें आप अच्छे से कर सकते हैं यहाँ पर प्रिपेयर। ओके सो जिनका भी यहाँ पर क्लियर हुआ है उन सभी को कंग्रेचुलेशंस, एंड फटाफट से तैयारी में लग जाइए। और जिसको भी यहाँ पर अगर यूडीसी का मेंस का पेड बैच ज्वाइन करना है ना मेरा, तो बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि अभी 40% ऑफ चल रहा है बैंकिंग सब्सक्रिप्शन पर, लेकिन 50% ऑफ चल रहा है ऑल बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कोर्सेज पर। तो यानी कि आपको ना 1-9 का कोर्स मिल जाएगा अभी यूडीसी का पेड बैच जो है, ये मेंस का पेड बैच जो है आपको 1-9 का मिल जाएगा। इनफैक्ट उन सभी स्टूडेंट्स को बता दूँ कि ये थोड़ी सी इनसाइड इन्फॉर्मेशन है कि आपका प्रैक्टिस बैच भी आने वाला है यूडीसी के लिए, तो इसीलिए अभी से फटाफट बैंकिंग सब्सक्रिप्शन ले लो, ताकि आपको बाद में आएगा वो 17 अप्रैल के बाद में, लेकिन तब तक प्राइस बढ़ चुका होगा। अभी 40% ऑफ चल रहा है शीतल कोड के साथ में सारे कोर्सेज पर, चाहे लाइव हो चाहे वीडियो लेक्चर्स हो, सभी पर फॉर ऑल बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम। तो ये सारा कुछ आप अवेल कर सकते हैं, अभी बहुत अच्छा टाइम है इधर, ठीक है? अच्छा किस किस का क्लियर हुआ है इधर? पैशनेट, अच्छा आपने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। अक्षिता डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। अविनाश वो भी मैं बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। विशाल का इधर क्लियर हुआ है, मोहित चौहान का क्लियर हुआ है। अच्छा आरबीआई में भी आपके काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट है, वेरी नाइस। अनून का क्लियर हुआ है इधर, ओके गुड। गुड मॉर्निंग वैभव, कैसे हैं आप? चलो स्टार्ट करें सेशन आज का। आर यू गाइज रेडी? सेशन करें स्टार्ट। देखो सबसे पहले मैं फटाफट से एक बार आपको बता देती हूँ कि 14 से लेकर 17 अप्रैल तक आपका बैंकिंग सब्सक्रिप्शन जो है उस पर 40% ऑफ चल रहा है शीतल कोड के साथ में, ईस्टर फेस्टिवल मना रहे हैं। तो पहले तो सभी को हैप्पी अम्बेडकर जयंती एंड हैप्पी बैसाखी, सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। ये दोनों तीनों त्यौहार आपको बहुत मुबारक हो। और कल आपको पता है कि गुड फ्राइडे है, तो उसके लिए भी कल भी मैं विश करूँगी, आज भी एडवांस में मैं आपको विश कर रही हूँ। और खुशियों का दिन है जिनका इधर सिलेक्शन हो चुका है, मतलब जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, होपफुली आप लोगों का सिलेक्शन भी हो जाए। देखो मुंह से अपने आप निकल रहा है सिलेक्शन हो चुका है तुम लोगों का, ठीक है? इधर आप 40% ऑफ मिलेगा अगर आप शीतल कोड यूज़ करते हैं। वैलिडिटी आपको दो मिल रही है, एक 9 मंथ मिल रही है, एक 12 मंथ मिल रही है, यानी कि 9 महीने के लिए आपको ये मिलेगा या 12 मंथ के लिए मिलेगा। जितने भी बैंकिंग और इंश्योरेंस कोर्सेज है, यानी कि मॉक टेस्ट की बात ना करें, सिर्फ कोर्सेज और बैचेज की बात करें, तो उन पर 50% ऑफ चल रहा है, फ्लैट 50% ऑफ विद शीतल कोड, ठीक है? शीतल कोड लगा के, यानी कि इस पर भी आपको 50%
50% ऑफ मिल जाएगा, तो इसको भी आप इनरोल कर सकते हैं फ्लैट 50% ऑफ में। 1249 का पड़ेगा जो अदरवाइज 2499 का है। इसमें आपका जीए जो सेक्शन है वो मैं कंप्लीट करा रही हूँ। 28 मार्च से शुरू हुआ है पर ज़्यादा क्लासेस हुई नहीं है 28 मार्च के बाद में, काफ़ी दिन का मैंने गैप रखा था। तो अब डेली डबल डबल क्लासेज हैं आपकी यूडीसी मेंस की, तो तैयार हो जाइए सभी लोग जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है, वो भी जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर सकते हैं। ईसीजीसी पीओ के लिए आपका अभी लास्ट डेट है, यानी कि 14 अप्रैल तक लास्ट डेट है ये आपका अर्ली बर्ड ऑफर में। आपको 874 का मिलेगा आपको ईसीजीसी पीओ का वीडियो प्लस लाइव प्रैक्टिस सेशन विद शीतल कोड, शीतल कोड लगाना जरूरी है उसी से मिलेगा, ठीक है। बैंकिंग रिपीटर्स बैच भी आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी आपको मिल जाएगा। इस पर भी आई थिंक 50% ऑफ चल रहा है, तो ये भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा शीतल कोड लगा के। और बैंकिंग सुपर एलीट आपको मिलेगा अब 2579 का, वो भी 9 मंथ्स के लिए, जो कि अदरवाइज आपका 4299 का है, लेकिन शीतल कोड के साथ में वो 2579 का मिलेगा। जबकि बैंकिंग लाइट जिसमें सिर्फ मॉक टेस्ट है 689 का मिलेगा 9 मंथ की वैलिडिटी के साथ में। और जो आपका बैंकिंग एलीट है ये 11199 का मिलेगा, 1200 रुपए का बैंकिंग एलीट। शीतल कोड आपको लगाना है यहाँ पर जरूरी है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैम आई हैव लॉस्ट माई रजिस्ट्रेशन नंबर, आई कॉन्ट डाउनलोड माई एडमिट कार्ड। सुरभि मैं इस चीज़ के बारे में बताती हूँ आपको, आफ्टर द क्लास मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में, क्लास हो जाने के बाद में कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट डाल देना इससे रिलेटेड, तो मैं पूछ के बताती हूँ कि कैसे आपका यहाँ पर ये सही हो सकता है। बिल्कुल सही, ESIC MTS का ऐप का एग्ज़ाम है, जितने भी लोग MTS की तैयारी कर रहे हैं उसका एग्ज़ाम है 7 मई को, कल नोटिफिकेशन आया है। रिजल्ट के साथ साथ उसका भी नोटिफिकेशन आया है कि आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, 7 मई को होने वाला है आपका ESIC MTS का एग्ज़ाम। तो अब जो मेरी क्लासेस आने वाली हैं वो है करंट अफेयर्स क्लासेस। जो क्लासेस आएंगी करंट अफेयर्स यानी कि जनवरी से लेके मार्च तक आपका, मार्च या अप्रैल भी इंक्लूड कर दूं, कौन कौन बोलते हैं कि मैम अप्रैल भी इंक्लूड कर देना, जितना भी अभी तक अप्रैल के डेज गए हैं 10 डेज ऑफ अप्रैल भी इंक्लूड कर दीजिए। हु आर दीज पीपल जो बोल रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, आपका फर्स्ट शिफ्ट है, एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब सभी लोग यहाँ पर एकदम हाइपर एक्टिव मोड में चले जाओ, बिकॉज देखो जिनका यूडीसी मेंस है बेटा, तुम अपने सपने के बहुत करीब हो। इस वक्त पर इतनी जॉब इनसिक्योरिटी है, अगर आप यहाँ पर आप ESIC में सिलेक्ट हो जाते हैं तो मतलब ये समझ लीजिए कि आपकी लाइफ की जॉब इनसिक्योरिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इतनी जॉब इनसिक्योरिटी है कि आजकल लोगों के पास जॉब्स नहीं है, तो ऐसे टाइम पर एटलीस्ट आपके घर से आप एक ऐसे फाइनेंशियल मतलब उनको हेल्प दे सकते हैं, एक स्टेबिलिटी दे सकते हैं अपने घर में। तो आप लोगों को इस वक्त पर सबसे ज़्यादा एक्टिव, इस वक्त पर सबसे ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी में कभी सीरियस नहीं हुए हैं, मत होइए, लेकिन इस पॉइंट पर जो सीरियस हो गया ना उसको आगे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट आपके हाथ में एक जॉब होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सभी लोग ऐसे समझिए कि ये लास्ट चांस है आपका, बिल्कुल इस तरीके से लग जाइए, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, लेकिन जोश इतना होना चाहिए, जुनून इतना होना चाहिए कि जैसे ही एग्ज़ाम आए ना तो एग्ज़ाम के परखच्चे उड़ा दो। बचे हैं 15 दिन, तो सभी के पास में 15 दिन है, आप अकेले नहीं हो जिसके पास में 15 दिन है, फटाफट से कर लीजिए। और स्मार्ट वर्क करना है, पहले करना है आपको करंट अफेयर्स। स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगी, शाम को 4 बजे मैंने स्ट्रैटेजी सेशन लगाया है जिसमें जीए की स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाले हो। चलो यहाँ पर आंसर करो क्या होगा। नेम द ऑथर ऑफ द बुक द मिलेनियल योगी, अ मॉडर्न डे पैराबल अबाउट रीक्लेमिंग वंस लाइफ। इनफैक्ट आपके मार्च के अंदर इतनी ज़्यादा बुक्स जो है वो रिलीज नहीं हुई हैं, तो मैंने इसमें कंपाइलेशन किया है कुछ एक फेब्ररी और फेब्ररी की बुक्स भी मैंने इसमें इंक्लूड की हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा इधर दीपम चैटर्जी। देखो क्या होता है कि मैं ना यहाँ बात करने में लग जाती हूँ, इसलिए क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ा जाता है, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पर मैं आपसे कहती हूँ कि ये बुक किसने लिखी है, दीपम चैटर्जी ने लिखी है, लेकिन किसके बारे में है ये बुक, किसके बारे में बता रही है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि एक यहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी इसमें बताई गई है, जिस एंटरप्रेन्योर का यहाँ पर नाम क्या बोला है, जय शंकर प्रसाद, जिसको पूरी बुक में जय के नाम से एड्रेस किया जाता है, उसके बारे में ये स्टोरी है, जो कि एक एंटरप्रेन्योर है वो कैसे एक मिस्टिक मॉन्क, विनी नाम के मिस्टिक मॉन्क से मिलता है, इसके बारे में ये पूरी स्टोरी है, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन आंसर करिए क्या होगा, हु इज द ऑथर ऑफ द बायोग्राफी। यहाँ पर एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। लाइव काउंट जो है अब यार मुझे डेली 100+ चाहिए, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए फ्रॉम योर साइड। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बायोग्राफी, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उथुप।
और ये भी कह रही हूँ MTS और UDC मेंस वाले दोनों ही स्टूडेंट्स मेरी अब जो क्लासेस शुरू होंगी दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है, बिकॉज मैं सिर्फ करंट अफेयर्स करा रही हूँ रिसेंट मंथ्स के, तो ये MTS में भी काम आएगा और UDC मेंस के लिए भी काम आएगा, यानी कि उन दोनों में ही उनको क्रैक कराने में हेल्प करेगा। MTS का प्रीलिम्स भी जो आपका एग्ज़ाम है वो क्रैक कराने में हेल्प करेगा और UDC मेंस क्रैक कराने में हेल्प करेगा, इसलिए मैं कुछ लिखूंगी नहीं कि ये मेंस के लिए या MTS के लिए, अपने आप समझ जाना करंट अफेयर्स है तो मेंस में भी काम आएगा और आपका MTS में भी काम आ जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सृष्टि झा। सृष्टि झा जो यहाँ पर है इन्होंने क्या लिखी है, ये बुक लिखी है, इससे पहले इनके पिता जो है वो इनके ऊपर बुक लिख चुके हैं उषा उत्तुप के ऊपर, किस नाम से, विकास कुमार झा उनका नाम है और उन्होंने उषा उत्तुप के ऊपर हिंदी में बुक लिखी थी। क्या नाम था उसकी हिंदी बुक का, तो याद रखिएगा उल्लास की नाव थी। क्या नाम था, उल्लास की नाव, जो है अब उसका यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके, इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया, विकास कुमार झा की बेटी सृष्टि झा ने, ठीक है, विकास कुमार झा की बेटी सृष्टि झा ने इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन किया है इन इंग्लिश, और नाम क्या दिया, नाम दिया क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। इसको लॉन्च किसने करवाया, खुद उषा उत्तुप ने कराया, जिनके ऊपर ये जो किताब है, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, वन अमंग यू इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पॉलिटिशियन, ये कौन से पॉलिटिशियन की बायोग्राफी है, वन अमंग यू, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, M.K. स्टालिन और पिनियरी विजयन, क्या हो जाएगा इधर करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा फटाफट से, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा इधर करेक्ट आंसर, इधर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर वन अमंग जो यू है ये कहाँ की बायोग्राफी है, तो याद रखिएगा ये किसकी बायोग्राफी है, M.K. स्टालिन, M.K. स्टालिन कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, CM कहाँ के, कौन सी स्टेट के CM होंगे, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए कहाँ के CM होंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, लाइक बहुत कम है और लाइव भी बहुत कम है, आप सभी लोग एक बार इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर, ये CM किसके हैं, तमिलनाडु के। अच्छा आप ये बताइए कि इसका और क्या नाम है, इंग्लिश में तो इसको बोलते हैं वन अमंग यू, लेकिन इसका दूसरा नाम क्या है, ओरिजिनली किस नाम से निकली है ये, तो याद रखिएगा उंगली ओरुवन, क्या नाम होगा, उंगली ओरुवन, या फिर इंग्लिश में इसका नाम है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन है वन अमंग यू, ये दोनों एक ही चीज़ है, जो किसकी ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा है, M.K. स्टालिन जो कि क्या है, CM ऑफ तमिलनाडु है। हु इज़ द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के गवर्नर का नाम क्या होगा, अभी रिसेंटली ये इलेक्ट हुए हैं एज द नॉमिनेट हुए हैं, यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं एज द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, तो आंसर क्या हो जाएगा, R.N. रवि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आंसर करिए इधर क्या होगा, नेम द ऑथर ऑफ द बुक उड़ान एक मजदूर बच्चे की, इस बुक को इनमें से किसने लिखा है, अनूप जलोटा, AD मानिक, मिथिलेश तिवारी या फिर अरुण दुधांडे, क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो आपको हिंट दे देती हूँ, वो भजन सम्राट कहे जाते हैं, तो इनमें से आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनूप जलोटा। अनूप जलोटा जो है इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ये क्या है, ये रिलीज की है इन्होंने, ठीक है, अनूप जलोटा जो है उन्होंने क्या की है, रिलीज की है, लेकिन लिखी किसने है, तो याद रखिएगा ऑथर होंगे इधर दो, ठीक है, ऑथर ये होंगे और रिलीज किसने किया है, तो भजन सम्राट जो है उन्होंने क्या किया है, रिलीज किया है, तो अनूप जलोटा ने रिलीज किया है और AD मानिक ने क्या किया है, वो इसके ऑथर है। किसके ऊपर लिखी है, यहां पर इन्होंने लिखी है उड़ान एक मजदूर बच्चे की, और मिथिलेश तिवारी भी इसके क्या है, ऑथर है, ठीक है, याद रखिएगा मिथिलेश तिवारी भी क्या है, इसके ऑथर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ब्लू बुक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द ब्लू बुक आर राइटर्स जर्नल इज रिटन बाय विच ऑथर, क्या हो जाएगा आंसर। ब्लू बुक नाम की जो ये किताब है, ये कौन से यहाँ पर राइटर्स का जर्नल नाम से इसको दिया गया है, ये किस ऑथर ने लिखी है, शेखर गुप्ता, अमिताभ कुमार, राजा मोहन या फिर बोरिया मजुमदार। देखो जब तक तुम लोग वीडियो को शेयर नहीं करोगे ना, लाइव काउंट 60-70 अबव नहीं जाएगा ना, तब तक मेरा हालत ऐसा ही रहेगा कि मैं खुद इतनी ज़्यादा परप्लेक्स्ड और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ, क्योंकि मेरा एक ध्यान यहाँ पर है कि आप लोग इसको शेयर नहीं कर रहे हैं, एक ध्यान इस चीज़ के ऊपर है मेरा कि क्लास कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं कंटिन्यू करना चाहिए,
एक ध्यान मेरा इस चीज़ के ऊपर है कि आप लोग ये अचीव करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में अभी घूम रही है। तो अगर तुम चाहते हो कि मैम के दिमाग में कुछ ना घूमे, मैम को सब कुछ एकदम अच्छे से याद रहे और आपको अच्छे से मैम बताएं, तो प्लीज़ इसको यार 60 या 70+ लाइव काउंट ले जाइए। 100+ भी नहीं बोल रही, क्या हो जाएगा आंसर? ये किसने ऑथर किया है तो याद रखिएगा, ये एक जर्नलिस्ट है जो इसके क्या है, ऑथर है। क्या नाम है उनका तो याद रखिएगा, उनका नाम होगा अमिताभ कुमार, ठीक है। ये एक राइटर भी है, ये एक जर्नलिस्ट भी रहे हैं, नाम है इनका अमिताभ कुमार, जिन्होंने क्या लिखी है, द ब्लू बुक और राइटर्स जर्नल लिखी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से पब्लिशिंग हाउस ने इसको पब्लिश किया है, क्योंकि ये पब्लिश जिसने किया है वो बहुत ही बड़ा फेमस पब्लिशिंग हाउस है इंडिया का, तो याद रखिएगा हार्पर कॉलिंस इंडिया नाम का जो पब्लिशिंग हाउस है उसने यहाँ पर की है, ठीक है। तो ये ब्लू बुक जो है ये क्या है कि ये ऑथर जो थे उन्होंने लॉकडाउन के टाइम पर अपनी एक डायरी रखी हुई थी, जिसमें ये क्या, तभी तो इन्होंने लिखा है राइटर्स जर्नल। उस डायरी के अंदर ये सब कुछ इन्होंने मेंशन किया है कि लॉकडाउन के टाइम पर क्या क्या पेंडेमिक में हुआ, किस टाइप का एक्सपीरियंस रहा इंडिविजुअल भी कलेक्टिवली उस पेंडेमिक का, तो ये लिखी है अमिताभ कुमार ने। नेक्स्ट है यहाँ पर आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। Who has released his autobiography titled On Board My Years in BCCI? BCCI क्या है आपका, तो आपको पता है कि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है इंडिया का, ठीक है। तो इन्होंने किसने लिखा है, अरूप रॉय चौधरी, अनिरुद्ध सूरी, रत्नाकर शेट्टी या फिर मिथिलेश तिवारी। मिथिलेश तिवारी से अभी रिलेटेड हमने एक बुक पढ़ी थी, क्या नाम था उस बुक का, उड़ान एक मजदूर बच्चे की, ठीक है। ये बुक किसने लिखी थी, ये लिखी थी मिथिलेश तिवारी ने। अब यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, किसके एक्सपीरियंस लिखे हैं, किसने रिलीज़ किया, तो याद रखिएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा रत्नाकर शेट्टी। रत्नाकर शेट्टी जो है इन्होंने अपने खुद के एक्सपीरियंस यहाँ पर लिखे हैं, जो भी इन्होंने यहाँ पर एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, एड अ एडमिनिस्ट्रेटर जो यहाँ पर इन्होंने देखा, BCCI के ये एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं इन BCCI, तो इनके जो खुद के साल रहे हैं बोर्ड में, तो उसका जितना भी यू नो ऑटोबायोग्राफी आप लगा सकते हैं कि ये इनकी क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। तो अभी तुम लोग मेरा कॉन्फिडेंस लेवल देख ही पा रहे होंगे कि मैं कितनी ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ, कितनी ज़्यादा, मतलब मेरे दिमाग में ना जब कोई एक दो चीज़ें चलती है ना, तो मेरा दिमाग प्रॉपर एक चीज़ में फंक्शन नहीं कर पाता, मतलब मेरे को थोड़ा सा ऐसा होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है मेरा दिमाग इधर ना। हाँ मोनिका, वो मुझे पता है मैंने इधर गड़बड़ कर दिया है उस क्वेश्चन में, क्योंकि मेरा थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हो रहा है। वो मिथिलेश तिवारी होगा, वो मुझे याद आ चुका है, मिथिलेश तिवारी होगा। अनूप जलोटा के साथ में जो वहाँ पर एडी हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने साथ में रिलीज़ किया है उसको, लेकिन मिथिलेश तिवारी ने लिखा है। ये थोड़ी सी गड़बड़ मेरे पार्ट पे हुई है, लेकिन मैंने मिथिलेश तिवारी का बाद में बता दिया था, तो मैं थोड़ी सी अभी यहाँ पर थोड़ी सी परेशान भी हूँ, ठीक है। अब परेशान, तुम्हें पता है कि मैम कब परेशान हो जाती है, जब 50 से नीचे लाइव काउंट चलता है ना, तो मैम का भी जो दिमाग का काउंट है ना, वो ऊपर नीचे होने लग जाता है। इसीलिए बोलती हूँ यार 50 से ऊपर रखा करो, वरना मेरी टेंशनें बढ़ जाती हैं। चलो, उड़ान वाले का मैंने गलत बताया, क्या लिखा है इधर मिथिलेश तिवारी, क्या लिखा है इसके सामने, मिथिलेश तिवारी के सामने क्या लिखा हुआ है मैंने, ये भले ही मैंने गलत लिख दिया, ये दोनों रिलीज्ड वाले हैं, करेक्ट ऑथर मिथिलेश तिवारी। ऐसा नहीं है कि मैंने ऑथर में मिथिलेश तिवारी नहीं लिखा, ठीक है, इतनी भी पागल नहीं चल रही हूँ, बस थोड़ा सा वही है। अच्छा, यहाँ पर रिलीज़ किसने किया इसका, तो आंसर क्या हो जाएगा, रिलीज्ड बाय होम। ऑथर हमने देख लिया कि ऑथर कौन है, रत्नाकर शेट्टी हैं इधर। रिलीज़ किसने किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बुक वॉज रिलीज्ड बाय शरद पवार, ठीक है। अच्छा, ये बताओ मुझे कि तुम लोगों को रिलीज का भी पढ़ना है, या खाली मैं ये बता दूं कि किस कौन किसका ऑथर है, खाली ये बता दूं कौन किसका ऑथर है। आई एम ट्राइंग, ओनली ऑथर, बोथ, दोनों बताओ, ऑथर सब पढ़ना है। बेटा सब पढ़ना है ना, तो थोड़ा सा लाइव काउंट बढ़ा दो तुम, वरना ना मैम का ऐसी हालत हो जाती है, चक्कर खा के गिरने वाली हालत हो जाती है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बायोग्राफी ऑफ लेट सॉली सरबजी, टाइटल सॉली सरबजी लाइफ एंड टाइम्स। अभी कुछ टाइम पहले इनकी मृत्यु हुई थी सॉली सरबजी की,
अब आंसर करिए यहाँ पर क्या होगा, फटाफट से बताइए। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुकी हूँ आपसे सोली सरबजी नाम से, ठीक है। अच्छा, किस फील्ड से रिलेटेड है सोली सरबजी, कोई बता सकता है मुझे किस फील्ड से रिलेटेड है सोली सरबजी जो हैं, जिनके ऊपर ये बायोग्राफी उनकी जीवनी जो लिखी गई है ये किस फील्ड से रिलेटेड है, क्या रहे हैं, क्या हैं ये? क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? सोली सरबजी मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्या रहे थे, ये अटॉर्नी जनरल रहे थे दो टर्म्स के लिए, ठीक है। एक इन्होंने 1988 से 1989 तक की टर्म के लिए रहे थे, फिर 1989 से ये आगे 1999 तक रहे थे, कुछ इस टाइप से रहे थे, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, 2004 तक रहे थे, 1998 से लेके 2004 तक रहे थे। एक ये रहे थे 1989 से लेके 1990 तक रहे थे, और एक रहे थे 1998 से 2004 तक। अच्छा, 1999 से लेके 2004 तक आपके पीएम कौन थे इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर पीएम कौन थे, क्या नाम है उनका? हिंट दे देती हूँ कि उनके जयंती पर क्या मनाया जाता है, उनकी जयंती पर मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे। अब इजी हो जाएगा आपके लिए, गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है उनकी जयंती पर ऑन 25th of December। क्या हो जाएगा अब आंसर यहाँ पर? तो याद रखिएगा यहाँ पर जो ये बुक है ये किसने लिखी है, अभिनव चंद्रचूड़ ने लिखी है, जो अप्रैल में रिलीज होने वाली है, इन अप्रैल 2022 ये रिलीज होने वाली है, जो किसके ऊपर है, सोली सरबजी के ऊपर है, जो क्या रहे थे, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल रहे थे। अटॉर्नी जनरल जो होता है ये क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि सबसे प्रथम विधि अधिकारी इसे कहा जाता है, लॉ ऑफिसर इसे कहा जाता है। आर्टिकल 76 जो है वो किसके बारे में बताता है, अटॉर्नी जनरल के बारे में बताता है इंडिया के अंदर। तो ये फॉर्मर अटॉर्नी जनरल रहे इतने से इतने टर्म तक। इस वक्त पर पीएम कौन थे जब ये अटॉर्नी जनरल थे, तो याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, बोल भी रही हूँ तो अजीब सा कुछ, अजीब सी आवाज़ें हो रही है, ठीक है। अभिनव चंद्रचूड़ जो हैं उन्होंने इनके ऊपर किताब लिखी है सोली सरबजी नाम से, ठीक है, इनकी 92nd बर्थ एनिवर्सरी पर लिखी है, ये याद रखिएगा, 92nd बर्थ एनिवर्सरी पर लिखी थी, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर हु हैज़ बीन लॉन्च्ड अ बुक टाइटल्ड रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट। किसने लॉन्च की है ये बुक रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नाम की, तो क्या हो जाएगा आंसर, जी किशन रेड्डी, पुरुषोत्तम रूपाला, महेंद्रनाथ पांडे या फिर भूपेंद्र यादव। देखो रोल ऑफ लेबर बोल रहा है, तो किसने रिलीज की है, लेबर मिनिस्टर ने की है। आज मुझे ऐसा लग रहा है, आज यार मेरा दिन नहीं है, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है, मुझे थोड़ा अजीब सा, मतलब बहुत ज़्यादा ना अजीब सा अंडर कॉन्फिडेंट और ऐसे, मतलब अलग टाइप की फीलिंग आ रही है, अच्छी वाली फीलिंग नहीं है, अजीब सी फीलिंग है, थोड़ी सी ना डरावनी फीलिंग है, आई डोंट नो व्हाई, क्यों है ऐसा नहीं जानती। बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर यहाँ पर प्रीति ने किया है, श्री कृष्णा ने किया है, मोनिका ने किया है, सलमान ने किया है। आज मैं ना थोड़ा जल्दी क्लास छोड़ दूंगी यार, पता नहीं अजीब सा फील हो रहा है, अच्छा फील नहीं हो रहा, मतलब मन नहीं कर रहा है या पता नहीं क्या है, किस वजह से मूड अपसेट, बहुत ज़्यादा मूड अपसेट हो रहा है। चलो क्या होगा यहाँ पर आंसर करेक्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा लेबर मिनिस्टर जो है हमारे, लेबर मिनिस्ट्री के अंदर यूनियन मिनिस्टर हैं, क्या नाम है उनका, भूपेंद्र यादव जो है, उन्होंने ये किताब लिखी है यहाँ पर, किस नाम से उन्होंने इसको लॉन्च किया है, इस बुक को जो लॉन्च किया है, और ये लिखी किसने है, ये पब्लिश किसने किया है, तो मैंने शायद आपको एक बताया था नाम, इंस्टीट्यूट का नाम बताया था, मैंने बोला था वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, किस किस को याद है ये चीज़, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट जो मैंने बताया था, ये किस किस को याद है, ये भी बताया था ये कहाँ पर स्थित है, ये इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये भी बताया था कि ये जो पब्लिशिंग हुई थी ये कौन से वीक के अंतर्गत हुई थी, तो आइकॉनिक वीक चलाया गया था, आइकॉनिक वीक किस महोत्सव के दौरान चलाया गया था, आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव किस लिए चलाया गया था, क्योंकि 2021 में हम लोगों को क्या हो गए थे, 75 ईयर्स हो गए थे इंडिपेंडेंस के, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसके अंदर, इस बुक के अंदर क्या है, यहाँ पर 12 आर्टिकल
फोकस दिए हुए हैं जो कि लेबर मिनिस्ट्री या लेबर डेवलपमेंट है इंडिया के अंदर, उससे रिलेटेड इन 12 आर्टिकल्स में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बताया गया है। जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट जो है, ये कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था, 1974 में, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर ये आता है। और इसका मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके जो करंट डीजी हैं यानी कि डायरेक्टर जनरल हैं, उनका नाम क्या होगा, उनका नाम होगा एच श्रीनिवास। क्या हो जाएगा? एच श्रीनिवास हो जाएगा। लिखा भी नहीं जा रहा है आज तो, अजीब ही कुछ सिस्टम हो रहा है। ठीक है, इस क्लास के पीडीएफ के लिए ज्वाइन करें Sheetal Sharma 01। बाकी सारी क्लासेस की पीडीएफ भी आपको यहीं पर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, फटाफट से आंसर करिए। साहित्य अकेडमी हैज पब्लिश्ड अ बुक लेंथ पोएम टाइटल मॉनसून, हु इज द राइटर ऑफ दिस पोएम। साहित्य अकादमी जो है उसने क्या किया है, यहाँ पर एक बुक जितनी लंबी क्या लिखी है, पोयम लिखी है, जिसका टाइटल क्या दिया है, टाइटल दिया है इधर मॉनसून। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो पोयम है ये किसने लिखी है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक पोइट भी हैं, ये एक डिप्लोमेट भी हैं। क्या नाम हो जाएगा इनका, तो याद रखिएगा अभय के जो हैं ये क्या हैं, इन्होंने इस बुक को क्या किया है, यहाँ पर लिखा है और पब्लिश किसने किया है, साहित्य अकादमी जो है ये आपकी इंडिया की काफ़ी बड़ी अकादमी से एक रिलेटेड है, ये लिटरेचर अकेडमी है, यहाँ पर उन्होंने इसको रिलीज़ किया है और अभय के ने इस बुक को जो लिखा है। अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि इस बुक के अंदर कितने सारे स्टेंजा थे, तो शायद आपको याद आए कि मैंने आपको एक बार पहले शायद हम मार्च का डे वाइज कर रहे थे या कुछ करंट अफेयर्स बेस्ड स्ट्रैटेजी के कर रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया भी था 150 स्टेंजा और 4 लाइन हर एक स्टेंजा के अंदर थी। और 150 स्टेंजा की ये क्या है, पोयम है, जिसका नाम है मॉनसून, जो अभय के ने लिखी है, रिलीज़ किया है साहित्य अकेडमी में। साहित्य अकेडमी जो है ये कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुई थी, तो आंसर क्या हो जाएगा, साहित्य अकादमी जो है ये कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुई थी, तो याद रखिएगा मार्च 1954 में, यानी कि बिल्कुल हमारे इंडिपेंडेंस के कुछ ही साल बाद ये क्या हो गई थी, ये यहाँ पर लॉन्च कर दी गई थी, इस्टेब्लिश हुई थी। इसका जो लोगो है वो किसने डिज़ाइन किया था, तो याद रखिएगा सत्यजीत रे, जो कि सबसे ज़्यादा माने जाते हैं आपके फिल्म जगत में और स्पेशली डायरेक्टिंग में इनका बहुत बड़ा नाम है। और इसके जो पहले प्रेसिडेंट बने साहित्य अकादमी के, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, यानी कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इसके क्या थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट बने जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यहाँ पर जो पहली बुक इसके अंतर्गत रिलीज हुई थी वो थी भगवान बुद्ध, जो डीडी कौशाम्बी ने 1956 में भगवान बुद्ध जो थी, वो डीडी कौशाम्बी ने यहाँ पर क्या की थी, पब्लिश की थी, वो उन्होंने लिखी थी जो इसके अंतर्गत पब्लिश की गई थी, उसका ट्रांसलेशन इसका मराठी से हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, ये क्वेश्चन शायद हमने पहले नहीं किया है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल्ड मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी। ओटी मतलब ऑपरेशन थिएटर, तो ऑपरेशन थिएटर के अलावा जो सिर्फ सर्जरी के अलावा बहुत सारे लाइफ लेसन जो उस ऑपरेशन थिएटर, उस ऑपरेशन के अलावा जो एक किसी को देखने को मिलते हैं, ये किसने लिखी है, अभिनव चंद्रचूड, रत्नाकर शेट्टी, तेतम इराज उदियावाड़िया या फिर गीतांजलि श्री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, बिकॉज़ आज लाइव काउंट हमारा 50 प्लस भी बहुत ही रेयर जा पा रहा है। थैंक यू सो मच अमूल कुमार, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट, वेरी नाइस। मिस्टर पैशनेट का आंसर करेक्ट है, मोहित का आंसर करेक्ट है, अभिलाष का आंसर करेक्ट है, मोनिका रानी का आंसर करेक्ट है, सलमान का आंसर इधर करेक्ट है, ऋषि का आंसर करेक्ट है। करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, तेतम इराज उदियावाड़िया जो है, उदवाड़िया जो है, इन्होंने लिखी है ये बुक। अब इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनको एक तो ये पद्म अवार्डी भी रहे हैं, पद्म अवार्डी यानि कि पद्म इनको अवार्ड मिल चुके हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन ये है, इनको कौन सा पद्म अवार्ड मिला,
तो आंसर क्या हो जाएगा? इनको पद्मश्री मिल चुका है, मिल चुका है। कौन से ईयर में मिला इनको पद्मश्री? पद्मश्री तो पद्म अवार्ड में सबसे लास्ट में आता है, यानी कि ये फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया है पद्मश्री, जो इनको कौन से ईयर में मिला? 2006 में मिला। किस फील्ड में मिला? मेडिसिन की फील्ड में मिला। फिर अगर मैं आपसे पूछूँ यहाँ पर क्या इनको पद्म भूषण मिला है, तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा बिल्कुल मिला है। कौन से ईयर में मिला? अगेन 2017 में, अगेन मेडिसिन फील्ड में इनको दिया गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इनको पद्म विभूषण मिला है, तो क्या बोलोगे? तो बोलोगे कि हाँ मैम मिला है, लेकिन ये बात तो गलत हो जाएगी कि नहीं मिला है, नो। ठीक है, उसी के साथ में एक और इनको यहाँ पर OBE अवार्ड मिला है, यानी कि ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। जैसे कि अभी हमने दो ऐसे क्रिकेटर का देखा था जिनको क्या मिला था, एक तो नाइटहुड अवार्ड मिला था ब्रिटिश एम्पायर वाला, और एक को मिला था कॉमन ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर CBE से, हमने याद रखा था, है ना, ओइन मॉर्गन को मिला था। लेकिन ऐसे ही ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर यानी कि OBE अवार्ड क्या इनको मिल चुका है? बिल्कुल मिला है। किसने दिया इनको? क्वीन एलिजाबेथ ने दिया था ये। ठीक है, कौन से ईयर में दिया था? क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ने इनको दिया, इन द ईयर 2006, जब इनको क्या मिला था? पद्मश्री भी मिला था। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है फादर ऑफ लैपरोस्कोपी, फादर ऑफ लैपरोस्कोपी इन इंडिया इनको बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने 1972 में लैपरोस्कोपी नाम का जो सर्जरी थी उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था, लैपरोस्कोपी नाम की सर्जरी को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर। ठीक है, और ये पहले ऐसे इंडियन बने थे जिन्होंने लैपरोस्कोपिक सर्जरी जो थी वो 1990 में उसको परफॉर्म किया था बहुत ही अच्छी तरीके से। तो लैपरोस्कोपी किससे रिलेटेड है? तो याद रखिएगा, ये एक जर्नल और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जन है इंडिया के, यानी कि जितना भी गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइन से रिलेटेड सर्जरीज होती है ना, ये वो करते हैं। ठीक है, तो अब याद रहेगा आपको ये सारी चीजें। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तैतम इराज उडिया उदवाड़िया। ये कहां से बिलोंग करते हैं? मुंबई से बिलोंग करते हैं, ये भी याद रख लेना। एक ही चीज बची है, फिर कल को यही पूछ लिया तुम बोलोगे मैम यही नहीं बताया था आपने। नेक्स्ट है आपका, नेम द ऑथर ऑफ द बुक रिस्ट अशॉर्ड एन ऑटोबायोग्राफी। रिस्ट अशॉर्ड नाम से ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये किसकी है? आंसर क्या हो जाएगा इधर? ऑप्शन यहाँ पर कौन कौन से आपके ऑप्शन हैं? कपिल देव, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है सुनील गावस्कर, देन आपका है GR विश्वनाथ। एंड आई थिंक ये हम कर चुके हैं, क्योंकि मुझे जैसे ही मैंने यहाँ पर GR विश्वनाथ पढ़ा मुझे एकदम से याद आ गया कि ये मैंने आप लोगों को कराया भी था। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ये फॉर्मर क्रिकेटर जो रहे, क्या नाम है उनका? गुंडप्पा रंगनाथा विश्वनाथ जो है, ये क्या है? उनकी ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा है। जर्नली जो क्रिकेटर्स होते हैं वो राइटर्स तो होते नहीं हैं, तो वो अपनी आत्मकथा अपनी बुक कैसे लिख सकते हैं? तो वो क्या करते हैं? स्टोरी तो वो बताते हैं, लेकिन साथ में एक ऑथर रखते हैं, एक राइटर को रखते हैं, जो उनकी स्टोरी को कैसे बुक में प्रेजेंट किया जाए वो देखता है। तो यानी कि एक साथ में इनका सह लेखक भी होता है, यानी कि को ऑथर भी होता है। अब आपको बताना है कि ये को ऑथर किसने की। और जर्नली ये जो को ऑथर होते हैं ना, ये या तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होते हैं या स्पोर्ट्स राइटर होते हैं। तो यहाँ पर एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम क्या है? आर कौशिक। वो क्या रहे? इसके को ऑथर रहे। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो आपके यहाँ पर GR विश्वनाथ है, इन्होंने कब से कब तक इंडिया के लिए क्रिकेट खेला? तो याद रखिएगा, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेला था फ्रॉम द ईयर 1969 टू 1986, जिसमें इन्होंने 91 मैचेस के अराउंड कुछ खेले थे और 6000 से ज़्यादा इन्होंने रन्स यहाँ पर बनाए थे। ठीक है, यहाँ पर अब याद रहेगा आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा GR विश्वनाथ। यहाँ पर अगर कौन से ऐसे, यहाँ पर दो ऐसे नाम हैं, दो ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने इसकी बुक जो थी वो रिलीज़ कराई थी, तो आंसर क्या हो जाएगा? इनकी बुक रिलीज़ कराने में कपिल देव और सुनील गावस्कर उधर थे जिन्होंने उसका पुनर्वरण किया। नेक्स्ट है आपका, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी। अनफिल्ड बैरल्स नाम से इंडियाज ऑयल स्टोरी के जो लेखक हैं वो कौन होंगे? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन है सोमा चौधरी, शैली चोपड़ा, अर्चना मिश्रा या फिर ऋचा मिश्रा। क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? ऋचा मिश्रा यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर, कि ऋचा मिश्रा जो है उन्होंने कौन सी यहाँ पर बुक लिखी है? अनफिल्ड बैरल्स मतलब किससे रिलेटेड है? इंडिया की ऑयल स्टोरी, यानी कि देखो अनफिल्ड मतलब बिना भरे हुए, बैरल्स क्या होते हैं? बैरल्स वो ऐसे कंटेनर्स होते हैं जिनमें ऑयल जो होता है, तेल जो होता है वो भरा जाता है। ऋचा मिश्रा जो है ये क्या है आपकी? द हिंदू बिजनेस लाइन नाम की जो ये
न्यूज़पेपर और यू नो मैगज़ीन टाइप की ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ये क्या है, उसमें ये एक जर्नलिस्ट है जो हिंदू बिजनेस लाइन यानी कि द हिंदू तो आपको पता ही है, उसकी जो बिजनेस लाइन है उसके लिए ये क्या लिखती है, आर्टिकल्स वगैरह लिखती है, उसकी ये जर्नलिस्ट है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे की रोल्स डिसाइड किए गए हैं। एक फेमस पर्सनैलिटी जो है उनका नाम है केशव देव मालविया, जो कि क्या थे, जो कि फेमस पर्सनैलिटी थे पेट्रोलियम मिनिस्टर वाले, यानी कि ये क्या रहे थे, पेट्रोलियम मिनिस्टर रहे थे इन 1970s। और आपको पता है 1980s में गल्फ वॉर चला था जहां पर इंडिया हमेशा से ही इंपोर्ट करता रहा है ऑयल, स्पेशली क्रूड ऑयल, यानी कि जो आपके पेट्रोलियम ऑयल वगैरह होते हैं ना वो। तो पहले यहां पर ये नाम याद रखना, केशव देव मालविया, ये क्या थे, ये मालविया, केशव देव मालविया जो थे ये 1970s में क्या थे, पेट्रोलियम मिनिस्टर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने कैसे बहुत सारे यू नो ONGC जो है इनमें किस हिसाब से इंडिया का जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके स्टेक होल्डर्स किस हिसाब से यू नो यहाँ पर कॉम्पिटेटिव प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ पर ये रिप्लेस करके इमर्ज होके आए ONGC फर्म और जो एक आपकी ऑयल यू नो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये दो ऐसी बड़ी ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनियाँ जो इनके यू नो एडमिनिस्ट्रेशन में उभर के आई। फिर 1980s में हमने देखा था कि बहुत सारा यू नो ऑयल जो था हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि गल्फ वॉर हो रहा था, प्राइजेस बढ़ रहे थे और इंपोर्ट्स बढ़ रहे थे, इंडिया के पास में इतना पैसा बचा नहीं था, जिसकी वजह से 1980s में बहुत ही ज़्यादा किल्लत भरी माहौल रहा। ये किसने लिखा है, ऋचा मिश्रा ने ये लिखी है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है हु हैज़ ऑथर्ड अ चिल्ड्रंस बुक द लिटिल बुक ऑफ जॉय। द लिटल बुक ऑफ जॉय नाम की किताब जो है ये एक बच्चों की किताब है, जो इनमें से किसने लिखी है, देशमन तूतू, दलाई लामा, पेनपा सेरिंग या फिर बोथ ए एंड बी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। जनरली जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन देता है और कहीं पर बोथ ए एंड बी दे देता है तो जनरली आंसर बोथ ए एंड बी ही होता है। अलग बात है कि अगर उसका दिल करा तुम्हें फंसाने का और उसने ऐसे ही अपने मन से ए एंड बी लगा दिया, वरना जनरली जब भी ए एंड बी होता है तो उसमें अधिकतर आंसर क्या हो जाता है आपका, करेक्ट आंसर हो जाता है DANB। आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं एंड शेयर तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं प्रेजेंट क्लास में, और तुमको बताया 50 से ऊपर मुझे एनी हाउ चाहिए होता है तभी मैं क्लास चलाती हूँ। अगर इस हिसाब का रिस्पांस रहेगा तो फिर देखो मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि 50+ लाइव काउंट यहाँ पर रहे। ये क्या है, एक पिक्चर वाली बुक का एडिशन है, यानी कि इस बुक के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो पिक्चर इलस्ट्रेशंस के थ्रू पूरा यहाँ पर बताया गया है। तो आंसर हो जाएगा देशमन तूतू और दलाई लामा जो हैं इन दोनों ने यहाँ पर लिखा है। अच्छा, दलाई लामा जो हैं इनको यहाँ पर यू नो देशमन तूतू क्या है, ये आर्च बिशॉप हैं, इन्होंने ये बुक लिखी है द लिटिल बुक ऑफ जॉय नाम की। वहीं पर दलाई लामा जो हैं आपको पता है कि कितने सेलिब्रेटेड हैं, इनको नोबल पीस प्राइज़ भी मिला हुआ है। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया है, यहाँ पर एक और बुक लिखी थी इसी टाइप से 2016 में। उस बुक का नाम क्या था, द बुक ऑफ जॉय लास्टिंग हैप्पीनेस इन चेंजिंग वर्ल्ड। ये इन्होंने 2016 में भी लिखी थी और दोनों ने को ऑथर किया था, तब भी दोनों ने साथ में लिखी थी, और अब फिलहाल में आपका 2022 में भी दोनों ने द लिटल बुक ऑफ जॉय भी साथ में लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल स्फूर्ति प्रदार्थ श्री सोमैया रिलीज्ड बाय वाइस प्रेजिडेंट एम वेंकैया नायडू। ये स्फूर्ति प्रदार्थ श्री सोमैया जो है ये किसने ये बुक लिखी है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिसका अनावरण जो किया है, जिसको रिलीज जो किया है वो किसने किया है, तो याद रखिएगा एम वेंकैया नायडू ने किया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, किसने लिखी है, राजीव भाटिया, प्रकाश कुमार सिंह, सागरिका घोष या फिर आंसर हो जाएगा के श्याम प्रसाद। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, इट हैज़ बिन रिटन बाय श्याम प्रसाद जो है उन्होंने इस बुक को लिखा है। ठीक है, याद रहेगा, इससे रिलेटेड ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ ये याद रखना कि ये जो बुक है ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये स्फूर्ति प्रदार्थ श्री सोमैया जो है ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो याद रखिएगा ये एक यू नो सोशल वर्कर थे फ्रॉम आंध्र प्रदेश। क्या नाम था इनका जिसके ऊपर ये पूरी बुक जो है लिखी गई है, उनका नाम था यहाँ पर श्री सोमपल्ली
सोमैया, इनके ऊपर ये क्या थे, एक सोशल वर्कर थे आंध्र प्रदेश में, जिन्होंने अपनी जो लाइफ है अपना मतलब यूथ जो है, और इनफैक्ट काफ़ी सारे युवाओं को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया कि अपना पूरा लाइफ इन्होंने सोशल वेलफेयर पे लगा दिया, तो इन्होंने यूथ को भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया है जिसके ऊपर ये बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट है आपका हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द क्रॉसिंग, द क्रॉसिंग नाम की जो बुक है उसके यहाँ पर ऑथर कौन होंगे, विनीत बाजपाई, मंजीत मान, कात्या बालन या फिर श्याम प्रसाद, क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। फटाफट से आंसर करिए इधर क्या हो जाएगा, एंड वीडियो को प्लीज थोड़ा सा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। सलमान का आंसर इधर बी आ रहा है, सैम का आंसर बी है, एंड मोहित का आंसर भी इधर भी है, पैशनेट का आंसर भी है, मोनिका का आंसर भी है, बहुत अच्छे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मनजीत मान, ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताया कि अभी बैंकिंग सब्सक्रिप्शन पर आपका 40% ऑफ चल रहा है, 14 अप्रैल यानी कि आज से शुरू हो चुका है और 17 अप्रैल को एंड हो जाएगा, और सबसे अच्छी बात यह है 50% ऑफ मिल रहा है सारे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कोर्सेज पर, यहाँ तक कि SBI PO, क्लर्क, RBI असिस्टेंट, ESIC के कोर्सेज और ECGC सभी के कोर्सेज पर आपको 50% ऑफ मिलेगा ऑन यूजिंग शीतल कोड। शीतल कोड लगाना जरूरी है, इसी कूपन कोड पर आपको मिलने वाला है, और 40% ऑफ बैंकिंग सब्सक्रिप्शन यानी कि बैंकिंग इलाइट जिसमें आपको मिलेंगे सारे के सारे मॉक टेस्ट वगैरह, सुपर इलाइट जिसमें कोर्स और मॉक टेस्ट सब मिलते हैं, आने वाले सब नए मॉक टेस्ट और कोर्सेज इसी में ऐड होते हैं, ये भी आप शीतल कोड के साथ में अवेल कर सकते हैं। ESIC UDC मेंस की तैयारी कर सकते हैं आप मेरे साथ में, यहाँ पर 40 नहीं अब आपको 50% ऑफ मिलेगा ऑन शीतल कोड, तो शीतल कोड लगा के 50% ऑफ ज़रूर यहाँ पर अवेल कीजिएगा। कितने का पड़ेगा वो भी मैं आपको क्लियरली बता दूंगी कितने का टोटल पड़ने वाला है। इसी के साथ में ECGC PO जो है 874 का पड़ेगा, इस पर तो 65% ऑफ चल रहा है विद शीतल कोड, तो इसको पे शीतल कोड लगाइए और 65% ऑफ के बाद में आपको ये 874 का मिल जाएगा, लेकिन शीतल कोड लगाना ज़रूरी है। लिंक इन सभी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ बैंकिंग सुपर एलीट प्लान, जो कि अभी बहुत ही अच्छे ऑफर में आया हुआ है, 9 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ में 2579 रुपीज़ में मिल रहा है आफ्टर यूजिंग शीतल कोड। इसके अलावा अगर कोई और ऑफरिंग भी आपको लेनी है तो वो आप ले सकते हैं, नीचे दिए हुए प्राइजेस आफ्टर यूजिंग शीतल कोड है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सभी लोग। नेम द पद्म अवॉर्डी हु ऑथर्ड द बुक मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन बियॉन्ड द OT। अब ये क्वेश्चन मैं तुमको करा चुकी हूँ, नाउ दिस इज लाइक कि अब मैं इससे रिलेटेड तुमसे कोई भी सवाल पूछूँ कोई भी गलत नहीं करेगा, पहले तो सही कर दो। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा तैतम इराक उदियावाडिया। ठीक है, ये हो गया करेक्ट। अब मुझे ये बताओ इनको पद्मश्री कौन से ईयर में मिला, अब मैं तुमसे सारे क्वेश्चन करने वाली हूँ। पद्मश्री इनको कौन से ईयर में मिला, पद्म भूषण इनको कौन से ईयर में मिला, ठीक है, कौन सी फील्ड में मिला ये भी बताना है। पद्मश्री कब मिला इनको, आंसर करो फटाफट। वेरी नाइस मोनिका रानी, एकदम करेक्ट है, पद्मश्री मिला 2006 में, पद्म भूषण कब मिला 2017 में, दोनों ही कौन सी फील्ड में, मेडिसिन की फील्ड में। अच्छा ये बताओ इन्होंने इंडिया में 1972 में कौन सी ऐसी सर्जरी को इंट्रोड्यूस किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1972 में किस सर्जरी को इंट्रोड्यूस किया था कि इस टाइप की भी सर्जरी होती है, तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा लेपोरोस्कोपी सर्जरी। ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया कौन से ईयर में, तो इंट्रोड्यूस किया 1972 में, लेकिन इन्होंने परफॉर्म कब की ये लैपरोस्कोपिक सर्जरी जो है ये कब परफॉर्म की, कौन से ईयर में, तो आंसर क्या हो जाएगा, परफॉर्म कब की फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, इन द ईयर 1990। इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ व्हाट इन इंडिया बोला जाता है, क्या बोला जाता है इनको, फादर ऑफ व्हाट ए ऑफ इंडिया, तो याद रखिएगा क्या बोला जाता है, फादर ऑफ लेपेरोस्कोपी
इन इंडिया इनको बोला जाता है, ठीक है। ये सारे रिलेटेड किससे थी। अच्छा, इसी के साथ में इनको एक ब्रिटिश अवार्ड भी मिला। क्या नाम था उस ब्रिटिश अवार्ड का, वो भी इनको कौन से ईयर में मिला, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड द्वारा दिया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा OBE अवार्ड, यानी कि ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड जो है इनको कौन से ईयर में मिला, इन द ईयर 2006, जब इनको क्या मिला था, पद्मश्री मिला था। ये सारी चीज़ें हो गई, रट गया तुमको अच्छे से, सारी चीज़ें आ गई। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो, यहाँ पर क्या हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द अम्ब्रेला, द ब्लू अम्ब्रेला नाम की जो बुक है उसके लिए यहाँ पर किसको मिला है, यहाँ पर कौन है यहाँ के, इसके ऑथर कौन होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, आर के नारायण, अरुंधति रॉय, आर के लक्ष्मण या फिर रस्किन बॉन्ड, क्या हो जाएगा इधर करेक्ट आंसर। वेरी नाइस, क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रस्किन बॉन्ड जो है, इन्होंने क्या लिखा है, ब्लू अम्ब्रेला। अब बात करते हैं यहाँ पर अरुंधति रॉय की, अरुंधति रॉय किस चीज़ के लिए फेमस है, क्यों ये इतनी ज़्यादा सेलिब्रेटेड इंडियन ऑथर मानी जाती हैं, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इधर, तो आंसर ये हो जाएगा क्योंकि 1997 में इनको मिला था मैन बुकर प्राइज, इसलिए इन्होंने इतिहास में अपना नाम रख लिया कि ये फर्स्ट इंडियन ऑथर बनी, पहली भारतीय लेखक बनी जिन्हें मैन बुकर प्राइज मिला। कौन सी बुक के लिए, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। अब चलो रस्किन बॉन्ड की जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो रस्किन बॉन्ड ने अभी दो किताबें और लिखी हैं, एक का नाम क्या है, एक का नाम है लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये पूरा नाम है इस बुक का, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ लिखूंगी लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। और दूसरी कौन सी थी, राइटिंग्स ऑफ माई लाइफ, राइटिंग्स ऑफ माई लाइफ जो थी ये कैसी बुक है, इनकी कंपाइलेशन है अब तक के इनके जो भी बेहतरीन काम रहे हैं उसकी। अब बात करते हैं रस्किन बॉन्ड के बारे में थोड़ी सी, जैसे आपसे क्वेश्चन आ गया था प्रीलिम्स में अरुंधति रॉय से रिलेटेड, तो हो सकता है रस्किन बॉन्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाए। रस्किन बॉन्ड को बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं, जैसे कि इनको इंडिया का सबसे बड़ा लिटरेचर अवार्ड मिला है, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। कौन से ईयर में मिला था इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड, तो याद रखिएगा इन द ईयर 1992 में मिला था। फिर दूसरा, इनको पद्मश्री मिल चुका है कि नहीं, बिल्कुल मिल चुका है। कौन से ईयर में मिला इनको पद्मश्री, तो क्या हो जाएगा, इसके जस्ट 7 साल बाद यानी कि 1999 में क्या इनको पद्म भूषण जो है वो मिला है कि नहीं मिला है, बिल्कुल मिला है। पद्म भूषण इन्हें कौन से ईयर में मिला, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इन द ईयर 2014। कौन से ईयर में मिला, 2014 में मिला। इनकी जो सेलिब्रेटेड बुक्स हैं उनमें से एक आती है रोड टू मसूरी। काफ़ी लोग सोचते हैं कि रस्किन बॉन्ड जो हैं ये फॉरेनर हैं, लेकिन ये इंडियन ऑथर हैं, याद रखिएगा ये इंडिया के ऑथर हैं जिन्होंने यहाँ पर बहुत सारी किताबें लिखी हैं। और जनरली लोगों को लगता है इस टाइप से है कि ये फॉरेनर हैं, लेकिन ये इंडियन ऑथर हैं और पंजाब से ये बिलोंग करते हैं। नाम रस्किन बॉन्ड होने से ये अंग्रेज़ नहीं हो जाते, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर पैंथर्स मून, ब्लू अम्ब्रेला, टू मच ट्रबल, रोड टू मसूरी, चेरी ट्री, अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, ऐसी काफ़ी सारी सेलिब्रेटेड किताबें लिखी हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका आंसर करिए क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड अ बुक टाइटल रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट ऑन 9th March 2022। इनमें से कौन से यूनियन मिनिस्टर ने ये लॉन्च किया। अब ये क्वेश्चन हो गया आपका भाई साहब रिपीटेड वाला क्वेश्चन। अब रिपीटेड जब भी क्वेश्चन हो जाए तो उसको समझ लेना कि मैम ने इसलिए डाला है कि उस बुक के बारे में तुमसे सारी चीज़ें पूछेंगी। इसीलिए मैंने जब ये क्वेश्चन कराया तो सारी चीज़ें बता दी कि कौन सा पब्लिशिंग हाउस है, वो पब्लिशिंग हाउस कब इस्टेब्लिश हुआ, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है वो भी मैंने आपको बताया, और उसका DG भी मैंने आपको बताया था, DG कौन थे। अब आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहले तो आंसर कर दो करेक्ट कि भूपेंद्र यादव जो हैं ये क्या है, ये आपके यूनियन मिनिस्टर हैं। कौन सी मिनिस्ट्री में यूनियन मिनिस्टर हैं, तो क्या हो जाएगा, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं, यानी कि क्या है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर है। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो सरकार है ना अभी, उसको एम्प्लॉयमेंट का याद ही नहीं रहता, इसीलिए भूपेंद्र यादव को याद रखने के लिए बोला है कि भाई रोजगार भी देना है, ये तुम याद रख लेना, इसीलिए रोजगार मंत्री और श्रमिक मंत्री, मजदूर मंत्री भी उन्हें बना दिया। इन्होंने क्या किया है, लॉन्च किया। अब ये बताओ कौन से पब्लिशिंग हाउस ने इसको पब्लिश किया है, कौन से इंस्टीट्यूट द्वारा ये पब्लिश की गई है, आंसर क्या होगा, ये जो पब्लिशिंग हाउस है वो कौन सा होगा, तो आंसर हो जाएगा VV गिरी नेशनल
इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर, करेक्ट है कि नहीं है, करेक्ट है कि नहीं है। यहाँ पर वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा? वेरी नाइस, इसके डीजी सभी को याद है, क्या नाम है डीजी का? एच श्रीनिवास। क्या नाम है डीजी का? एच श्रीनिवास। अच्छा, कौन से वीक का पार्ट था, कौन सा ऐसा वीक सेलिब्रेट किया जा रहा था जिसका पार्ट ये बना और जिसके तहत इसका पब्लिशिंग हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा? आइकॉनिक वीक मनाया जा रहा था जब इसे पब्लिश किया गया। आइकॉनिक वीक का जो सेलिब्रेशन हो रहे थे वो कौन से सेलिब्रेशन के तहत थे, कौन से महोत्सव के तहत थे, तो आंसर क्या हो जाएगा? आज़ादी का अमृत महोत्सव के टाइम पर आपका आइकॉनिक वीक जो है उसमें आपका क्या चलाया गया, उसमें पब्लिशिंग हुआ ऑफ द बुक कॉल्ड रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट। 9 मार्च को ये लॉन्च की गई बाय लेबर मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, पब्लिश बाय वीवी गिरी नेशनल इंस्टीट्यूट, जो कब इस्टेब्लिश हुआ था 1974 में, जो किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो अ रिपीटेड वन, ये भी आप लोगों की रिविजन के लिए, बाय हुम द बुक द ब्लू बुक अ राइटर्स जर्नल वॉज रिटन, इसके बारे में बता दीजिए, ये किसने लिखा, कौन सा नाम है उनका? अमिताभ कुमार है, शेखर गुप्ता है, राजा मोहन है या फिर बोरिया मजुमदार है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? ब्लू बुक जो राइटर्स जर्नल, तो याद रखना है कि ये क्या थे, ये एक जर्नलिस्ट थे जिन्होंने अपनी डायरी बना रखी थी लॉकडाउन के टाइम पर, पैंडेमिक से रिलेटेड जो भी इंडिविजुअल और कलेक्टिव यू नो इफेक्ट आए उन सबको इन्होंने लिखा, जिसके ऊपर इन्होंने एक ब्लू बुक जो है वो रिलीज कर दी। नाम क्या होगा? अमिताभ कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर करिए क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज बीन लॉन्ग लिस्टेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022? द एंजल्स ऑफ कैलाश, राज कपूर, द मास्टर एट वर्क, नेरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म या फिर टूम्ब ऑफ सैंड, इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपका बुकर प्राइज 2022 के लिए ये लिस्ट की गई हुई है, वहाँ पर नॉमिनेट की गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ओरिजिनली ये बुक किस नाम से थी, तो देखो आपको बताया, अगर इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए कोई भी जाती है तो उसका इंग्लिश बुक होना बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश में लिखी हुई बुक होना बहुत ज़रूरी है, तो ये पहले हिंदी वर्जन था इसका और इंग्लिश वर्जन क्या है इसका? टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक है। टूम ऑफ सैंड जो है ये बुक जो है किस में गई है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की लिस्टिंग के लिए गई हुई है, जिसका यहाँ पर हिंदी में क्या नाम था, तो आंसर कौन बताएगा? ये एक हिंदी नोवेल था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम होगा रेत समाधि। क्या हो जाएगा? हिंदी नोवेल थी जिसका नाम क्या था? रेत समाधि, और जिसका इंग्लिश में नाम रख दिया गया टूम ऑफ सैंड, ठीक है। समाधि किसको कहते हैं? टूम को कहते हैं, रेत मतलब सैंड इंग्लिश में, ठीक है। ये किसने लिखी ये बुक, तो आंसर क्या होगा? ये किसने लिखी ये बुक, तो आंसर इधर क्या हो जाएगा? किसने लिखी थी यहाँ पर टूम ऑफ सैंड? तो देखो याद रखिएगा, ये ओरिजिनली हिंदी नॉवल लिखी थी रेत समाधि में किसने, तो उनका नाम था गीतांजलि श्री। क्या नाम है उनका? गीतांजलि श्री नाम है उनका, ठीक है। इसको ट्रांसलेट किस में किया गया? ट्रांसलेट किया गया इसको इंग्लिश में बाय हुम? इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका किसने किया? ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय, तो याद रखिएगा, डेजी रॉकवेल ने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, ठीक है। तो अगर मान लो गीतांजलि श्री जीतती है ना 2022 का बुकर प्राइज, तो कुछ एक प्राइज मनी किसके पास में जाएगा? डेजी रॉकवेल के पास में भी जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपसे पूछती हूँ, राज कपूर द मास्टर एट वर्क दिस बुक इज रिटन बाय हुम, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, क्या हो जाएगा? फिल्म मेकर राहुल रवेल ने लिखा है, याद है कि नहीं है? राहुल रवेल के बारे में हमने पढ़ा। फिर यहाँ पर आता है, नेरोजी द पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म दिस बुक वॉज रिटन बाय हुम, इस किताब को किसने लिखा था, ये भी हम पढ़ चुके हैं, याद आया कि नहीं? दिनियर पटेल, याद आया कि नहीं? दिनियर पटेल होगा। लेकिन हम एंजल्स ऑफ कैलाश हमने नहीं पढ़ी है, द एंजल्स ऑफ कैलाश बुक रिटन बाय हुम, ठीक है। जो कैलाश के एंजल्स के बारे में ये जो बुक है ये किसने लिखी है, तो याद रखिएगा, ये लिखी है शुबीरा कुमार ने, सॉरी शुबीरा प्रसाद ने, ठीक है। किसने लिखी है? शुबीरा प्रसाद ने लिखी है द एंजल्स ऑफ कैलाश। कैसे याद रख सकते हो? प्रसाद से, कि भाई कैलाश पर भगवान शिव मिलते हैं तो सुबह सुबह क्या लेने पहुँच जाते हैं हम? प्रसाद लेने पहुँच जाते हैं। तो जब एंजल्स ऑफ कैलाश आएगा तो कैलाश में सुबह सुबह क्या लेने पहुँच जाते हो? प्रसाद लेने को पहुँच जाते हो, तो शुबीरा प्रसाद होगा, ठीक है, याद रहेगा। और टूम ऑफ सैंड किसकी लिखी हुई है? गीतांजलि की
लिखी हुई है, ओरिजिनली हिंदी भाषा में गीतांजलि श्री ने लिखी रेत समाधि, और इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया डेजी रॉकवेल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका आंसर करिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियो पॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस। क्या हो जाएगा इधर आंसर, अमिताभ घोष, हर्ष मधुसूदन, अनिरुद्ध सूरी या फिर अमर्त्या सेन। क्या हो जाएगा इनमें से किसने लिखी है ये बुक द ग्रेट टेक गेम, तो आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा इधर, अनिरुद्ध सूरी हो जाएगा। अनिरुद्ध सूरी जो है ये क्या है, ये इंडियन ऑथर हैं जिन्होंने इस बुक को लिखा है, जिसको अगेन पब्लिश किसने किया है, तो याद रखिएगा पब्लिश्ड बाय हार्पर कोलिंस इंडिया। ठीक है, इस बुक के अंदर ये लिखा हुआ है कि कैसे इंडिया ने अपना खुद का प्लान बनाया, कैसे अपने आप को टेक्नोलॉजी के अंदर ए लिस्टर बनाया है, टेक्नोलॉजी के अंदर कितना आगे इंडिया अपने आप को खींच के लाया है डेवलपमेंट के लिए, ये पूरी बुक के बारे में यहाँ पर है। नेक्स्ट है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर द बुक टाइटल द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपाल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु शेप्ड सिलिकॉन वैली। अब आपको पता है सिलिकॉन वैली तो सबसे ज़्यादा फेमस है किसके लिए, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले एरिया में, तो इनमें से यह किताब किसने लिखी है द फाउंडर्स, जिसमें स्टोरी बताई गई है पेपैल और उसके एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने सिलिकॉन वैली को एक ये रूप दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा जिमी सोनी जो है उन्होंने इस बुक को लिखा है। वहीं अगर आपसे पूछूं कि जे साई दीपक जो है ये काफ़ी ही ज़बरदस्त यू नो ऑथर हैं, और इन्होंने अभी जो लिखी है ना बुक वो बहुत ही ज़्यादा फेमस रही है, क्या नाम होगा, वो एक ट्रायोलॉजी सीरीज़ है, उसका फुल नाम क्या होगा, और उसमें एक कीवर्ड आता है आपका कोलोनियलिज्म, क्या हो जाएगा इधर आंसर, जे साई दीपक ने ये, आई थिंक एडवोकेट भी है ना, जे साई दीपक एक बहुत ही ज़बरदस्त एडवोकेट है, इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम मुझे कौन बता सकता है इधर, और ये हम पढ़ चुके हैं, उनकी बुक हम कर चुके हैं, क्या हो जाएगा आंसर, अभी फिलहाल में इन्होंने कौन सी लिखी है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब क्योंकि आप लोगों का रिस्पांस इतना अच्छा आ रहा है क्लास के ऊपर, तो इसीलिए अब मैं क्लास को एंड करना चाहूँगी आफ्टर दिस। ठीक है, यहाँ पर द फाउंडर्स नाम की किसने लिखी है, द फाउंडर नाम्स की जिमी सोनी ने लिखी है। अच्छा, किरण बेदी से रिलेटेड मैंने आपको बुक बताई थी अभी रिसेंटली, किरण बेदी जो हैं उनकी कौन सी बुक यहाँ पर रिलीज़ हुई थी, और उसमें कुछ गवर्नेंस नाम से था, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इधर, द फियरलेस गवर्नेंस, क्या हो जाएगा, द फियरलेस गवर्नेंस जो है अभी फिलहाल में किसने यहाँ पर रिलीज़ की है ये बुक, तो वो किरण बेदी की लिखी हुई है। ठीक है, याद रहेगा आपको इधर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द बुक टाइटल्ड अ नेशन टू प्रोटेक्ट हैज बीन ऑथर्ड बाय, किसने लिखा है, नारायण राणे, मनसुख मांडविया, प्रणब मुखर्जी या फिर प्रियम गांधी मोदी। पहले तो ये बता दीजिए जो मनसुख मांडविया हैं ये आपके कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं, और नारायण तूतू राणे जो हैं ये कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं, पहले तो इन दोनों के बारे में बता दीजिए, क्या हो जाएगा आंसर। हाँ, फॉर दैट रीज़न आई एम आउट, वेरी नाइस, क्या हो जाएगा, मनसुख मांडविया जो हैं ये क्या है, हेल्थ मिनिस्टर के साथ साथ, और क्या है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर तो हैं ही हैं, उसके साथ में ये आपके कौन से मिनिस्टर हैं, तो याद रखिएगा ये केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर भी हैं, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर भी हैं। वहीं पर अगर बात करूँ आपसे कि नारायण तूतू राणे जो हैं इनसे रिलेटेड तो अभी क्वेश्चन भी आया था, किससे रिलेटेड हैं, MSME मिनिस्टर हैं, कौन से हैं, यानी कि आपकी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्टर हैं। यहाँ पर आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रियम गांधी मोदी जो है उन्होंने ये बुक लिखी है अ नेशन टू प्रोटेक्ट, किसके बारे में है, नरेंद्र मोदी के बारे में है मेनली, तो मोदी मोदी याद रखिएगा कि कैसे COVID-19 में जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अपने आप को प्रोटेक्ट किया, इंडिया को प्रोटेक्ट किया। ठीक है, ये सारा इस बुक में दिया हुआ है, एक बार फटाफट से रिविजन हो जाए, आर यू गाइज रेडी फॉर द रिविजन, जल्दी से एक बार हम लोग रिविजन कर ले फटाफट से।
चलो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, फटाफट से आंसर करिए क्या होगा। नेम द ऑथर ऑफ द बुक द मिलेनियल योगी, नाम की जो बुक है ये किसके बारे में है, तो किसने लिखी है ये, तो आंसर क्या हो जाएगा, दीपम चटर्जी, जिसमें इन्होंने जय शंकर प्रसाद जे जो कि एक एंटरप्रेन्योर होता है किससे मिलता है, विनी नाम की मिस्टिक मॉन्क से मिलता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दीपम चटर्जी। ये कुछ कुछ मुझे वैसी लग रही है द मैन हु सोल्ड हिज फरारी टू मॉन्क टाइप की, क्या नाम है उस बुक का, नाम भी भूल गई मैं, ठीक है, तो उस टाइप की बुक लग रही है मुझे ये। नेक्स्ट है यहाँ पर, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बायोग्राफी द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज बायोग्राफी ऑफ उषा उत्तम, जो कि इंग्लिश में लिखी है किसने, यहाँ पर सृष्टि झा ने, जिनके पिताश्री जो हैं विकास कुमार झा, उन्होंने ये हिंदी में ये बुक लिखी थी जिसका नाम था उल्लास की नाव, उसको अब इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके द क्वीन ऑफ पॉप ऑथराइज बायोग्राफी ऑफ उषा उत्तम लिखी है, जिसको लॉन्च किसने किया है, खुद उषा उत्तम ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अमंग यू इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पॉलिटिशियन, वन अमंग यू नाम की ये कौन से पॉलिटिशियन की ऑटोबायोग्राफी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एम के स्टैलिन, जो कि कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, तमिलनाडु के हैं। और इस बुक का एक और नाम भी है उंगली उरुवन, तो इसको उंगली उरुवन उनकी रीजनल लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में वन अमंग यू एक ही बात है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, कौन है उड़ान एक मजदूर बच्चे की, ये किसने लिखी है, अनूप जलोटा एडी मानिक जो है उन्होंने इसको रिलीज किया है, और लिखी किसने है, मिथिलेश तिवारी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लू बुक राइटर्स जर्नल इज रिटन बाय विच ऑथर, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अमिताभ कुमार जो है उन्होंने, ये एक राइटर और जर्नलिस्ट दोनों हैं, लॉकडाउन के टाइम पर इन्होंने जो एक डायरी बना रखी थी, अपनी डायरी बना रखी थी उसमें ये सारा लिखा, जिसको पब्लिश किया हार्पर कॉलिंस इंडिया ने। नेक्स्ट है आपका, इनमें से किसने ऑटोबायोग्राफी को टाइटल दिया है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI, ये BCCI के एडमिनिस्ट्रेटर रहे थे, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस जाहिर किया है कि बोर्ड मेंबर होते हुए, बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर होते हुए BCCI में इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा रत्नाकर शेट्टी। अनिरुद्ध सूरी के बारे में तो अभी हमने देखा था, द ग्रेट टेक गेम नाम की बुक लिखी थी अनिरुद्ध सूरी ने। नेक्स्ट है आपका, द बायोग्राफी ऑफ लेट सॉली सरबजी टाइटल, सॉली सरबजी के ऊपर जो टाइटल नाम की किताब लिखी गई, जो टाइटल से किताब लिखी गई सॉली सरबजी लाइफ एंड टाइम, वो लिखी किसने, अभिनव चंद्र चूड ने, ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दीपम चटर्जी ने कौन सी लिखी थी, क्या हो जाएगा आंसर, मिलेनियल योगी। दीपम चटर्जी ने कौन सी लिखी थी, मिलेनियल योगी लिखी थी, और यहाँ पर आंसर दिख रहा है अमिताभ कुमार, इसने कौन सी लिखी थी, द ब्लू बुक, तो यहीं से याद हो जाएगा। विकास कुमार झा ने कौन सी लिखी थी, उल्लास की नाव, कौन सी लिखी थी, उल्लास की नाव, तो चारों के चारों हमने देख लिया। इधर क्या होगा, अभिनव चंद्रचूड ने लिखी सॉली सरबजी, और दीपम चटर्जी ने मिलेनियल योगी, अमिताभ कुमार ने ब्लू बुक, विकास कुमार झा ने उल्लास की नाव। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, हु हैज लॉन्च्ड अ बुक टाइटल रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट, तो आंसर इधर क्या हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा भूपेंद्र यादव, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ने इसको पब्लिश किया। नेक्स्ट है साहित्य अकेडमी जो है उसने यहाँ पर मॉनसून नाम की जो बुक जितनी लंबी पोयम रिलीज किया उसको किसने लिखा है, अभय के ने लिखा है, जिन्होंने कहा कि मॉनसून आया है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका, हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन बियॉन्ड ओटी, तो मुझे नहीं लगता कि किसी का भी यहाँ पर आंसर गलत होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तेतम इराज उडियावाडिया। अब अभिनव चंद्रचूड़ का आपसे पूछूंगी तो आंसर क्या कहोगे, तो आंसर बोलोगे सॉली सरबजी, क्या बोलोगे, अभिनव चंद्रचूड़ ने कौन सी लिखी है, सॉली सरबजी लिखी है। अच्छा, रत्नाकर शेट्टी ने कौन सी लिखी थी, आंसर करिए फटाफट क्या होगा, रत्नाकर शेट्टी जो है उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी, आंसर क्या होगा। और लाइव काउंट इतना बुरी तरीके से नीचे गिर रहा है कि मुझे लगता है कि मुझे क्लास को यहीं पर एंड कर देना चाहिए, फटाफट से आपको एक होमवर्क दे देती हूँ और फिर क्लास यहीं पर एंड कर देते हैं, ठीक है, अननेसेसरी कोई फ़ायदा नहीं है क्लास को खींचने का, इफ़ यू गाइज आर नॉट रेडी फॉर दिस। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये जो यहाँ पर क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड अ न्यू बुक कॉल्ड अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन, ये आप लोगों का होमवर्क है, आफ्टर क्लास कमेंट सेक्शन में जाके इसको सबमिट कर देना। और मेरा टेलीग्राम चैनल है शीतल शर्मा 01, यहाँ पर इस क्लास का आपको PDF मिल जाएगा। अभी फिलहाल में बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है ऑलिव बोर्ड की साइट पर, तो शीतल कोड का यूज़ करके यहाँ पर इसको एनरोल ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।